पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठाने को लेकर वित्त मंत्री तरुण भनोट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलती है तो अधिकारी भी बदलते हैं। बीजेपी शासनकाल में भी अधिकारियों के तबादले होते थे। अधिकारियों के तबादले सामान्य प्रक्रिया है, सरकार में कोई सुपर पावर नहीं है। साल जो उनके मुख्य सचिव थे क्या वही मुख्य सचिव थे? जो उनके डीजी थे क्या वही डीजी पुलिस थे? जो जिलों में कलेक्टर थे क्या वही जिलों के कलेक्टर थे? विभिन्न विभागों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सेक्रेटरीज थे क्या वही सेक्रेटरीज थे? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी ने सवाल उठाए, उनकी क्या मंशा मुझे पता नहीं, और जो प्रदेश का नेतृत्व करता है उसको विशेषाधिकार है और वो यह तय करता है कौन व्यक्ति कहाँ बैठकर काम करने के लिए। माननीय कमलनाथ जी तो प्रशासनिक अनुभव है, जनता से उनका सीधा संवाद है। जो व्यक्ति लगातार 9 बार सांसद रहा हो, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहा हो और जिनने अपनी छाप, प्रशासनिक छाप लगातार जनता के बीच में छोड़ी हो, उनको किसी के भी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। ये कल्पना माननीय शिवराज जी खाली समय बहुत है उनके पास, मैं अपने घर में बैठकर भी उनके मुख्य नहीं।